नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हाइपरटेंशन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहला है, मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताऊंगा। मैं समझता हूँ इन आंकड़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने इन आंकड़ों को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आप हाइपरटेंशन के डेंजर को समझ जाएंगे। हाइपरटेंशन के बारे में दूसरी बात आपको बताऊंगा कि यदि आप लंबे समय से हाइपरटेंसिव है, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जो भी वर्तमान समय में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ करके आ रहा है, उसके तुलना में यदि आपने 12 से लेकर के और 15 mm ऑफ HG तक अपना ब्लड प्रेशर कम कर लिया, तो आप किन किन खतरनाक एवं जानलेवा बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका आहार विहार क्या होना चाहिए, साथ में आपको किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए, मतलब किन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन चीजों को अनिवार्य रूप से करना ही करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यूनिक कंटेंट। शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, वैल्यूएबल वीडियो ही मिलती है, जो सामान्य रूप से ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ के बारे में होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो महत्वपूर्ण आंकड़े जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यदि मैं पूरे विश्व की बात करूं तो विश्व में प्रत्येक 3 में से एक वयस्क व्यक्ति हाइपरटेंसिव की समस्या का शिकार है। यह दोस्तों ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। 77% ब्रेन स्ट्रोक का प्रमुख कारण हाई बीपी होता है, 74% हार्ट फेलियर का प्रमुख कारण हाई बीपी होता है, और 69% कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक आना, इसका मेन कारण हाई बीपी होता है। तो आप इन आंकड़ों को एनालाइज करिए और मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि क्या वास्तव में इस हाइपरटेंसिव को हम इतने हल्के में लेते हैं, वो क्या हल्की बीमारी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे आप बताइए कि हाइपरटेंसिव बीमारी खतरनाक है या नहीं। अब चले आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, और वो ये है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, यदि आपने अपना बीपी 12 से लेकर के 15 mm ऑफ HG तक कम कर लिया है, तो आप किन किन खतरनाक बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं और कितने परसेंट तक कर सकते हैं। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और आपने उसको चाहे मेडिसिन के माध्यम से हो या अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके कैसे भी बढ़े हुए बीपी को लगभग 12 से 15 mm ऑफ HG तक आपने मेंटेन कर लिया, यानी कम कर लिया, इस पर इतना घटा लिया है, तो 37% ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, 25% कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा कम हो जाता है, और 21% कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई बीपी जो समस्या है, इसको आप हल्के में ना लें, इसके लिए आपको सीरियस होने की जरूरत है। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, और अब चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, और वो ये है कि यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको किन किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इस सेक्शन में मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, यानी आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपको किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और आपको किन चीजों को अनिवार्य रूप से करना ही करना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके आहार विहार यानी खान पान पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको अपने खान पान में हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा आपको मौसमी फल लेना चाहिए, आपको पोटेशियम वाली डाइट जरूर शामिल करना चाहिए, इसके अलावा आप मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनको जरूर शामिल करें। ये हाइपर टेंशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा आपको अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब कारण हट जाएगा तो उसके कारण जो होने वाली समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक हट जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अधिक मात्रा में नमक सेवन नहीं करना चाहिए, आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े।
इसके अलावा आपको नशे से दूरी बना के रखना चाहिए, खासकर स्मोकिंग और अल्कोहल से। ये दोनों ऐसी चीजें होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप इन चीजों में सावधानी रखेंगे, यानी आपको इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है। नियमित रूप का मेरा मतलब ये है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये बताया गया है कि यदि आप हफ्ते में 3 घंटे का यदि व्यायाम करते हैं, ध्यान रखिए हफ्ते में 3 घंटे का व्यायाम करते हैं, तो ये सफिशियंट होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप संडे को घर में हैं, खाली हैं, या किसी हॉलीडे के टाइम पे आप घर में खाली हैं तो एक दिन में ही 3 घंटे का व्यायाम कर लें, ये बिल्कुल नहीं करें, इससे आपको इंजरी होने की संभावना रहती है। हफ्ते में 3 घंटे का मतलब है कि आप जो 6-7 दिन का जो अपना वीक होता है उसमें कुल मिला के आपको 3 घंटे का व्यायाम करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप अपने जो ब्लड प्रेशर है अपना, उसको रेगुलर चेक करवाते रहिए। अब तो आप घर में भी ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं उसके द्वारा घर में भी चेक कर सकते हैं। और सबसे और इम्पोर्टेंट बात है, आपको ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं उसको रेगुलर खाते रहना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर लोगों को देखा है कि वो ब्लड प्रेशर की, जैसे मान लीजिए एक बार जांच करवाते हैं, दो बार करवाते हैं, उनको यदि हाइपरटेंशन हो गया यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तो कुछ दिन तक दवाइयां खाते हैं, जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो दवाइयां बंद कर देते हैं। और उनका यही कहना है कि नहीं, अब कोई समस्या नहीं इसलिए मैंने दवाइयां बंद कर दी। ये गलत बात है, ध्यान रखिए आप अपने मन से ब्लड प्रेशर की कभी भी दवाई बंद नहीं करेंगे। आप अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहला हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ प्रमुख आंकड़ों के बारे में मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको किन किन चीज़ों का खतरा कितने परसेंट हो जाता है, और यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो खतरा कितने परसेंट तक कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि आप हाइपरटेंसिव हैं और आपको ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करना है तो किन किन चीज़ों को आपको करना है, नहीं करना है, अपने आहार विहार में क्या शामिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने कोशिश की है यूनिक कंटेंट लाने की आप सबके लिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जाकर के जरूर बताइए। और जैसा कि आपको पता है कि वीडियो क्लास में हमेशा मैं आप लोगों के क्वेश्चन उठाता हूँ, लेकिन इस बार इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए होता क्या है कि वीडियो वो काफ़ी लंबे जब हो जाते हैं तो फिर जो क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के वो मैं शामिल नहीं कर पाता हूँ, एक या दो हार्डली क्वेश्चन शामिल कर पाता हूँ, उसके भी आंसर सही ढंग से नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने इसके लिए एक सलूशन निकाला है कि अब से जो 1 हफ्ते के सारे क्वेश्चन रहेंगे मैं उसको संडे को स्पेशल वीडियो बना करके उस वीडियो में मैं कोई अलग से जानकारी नहीं दूंगा। जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट है, जिस बीमारी के बारे में आपने जो भी पूछा है, तो उन क्वेश्चन के बारे में ही उसका सलूशन लेकर के संडे को मेरा वीडियो हर बार आएगा रात को 8 बजे। तो आपका भी यदि कोई क्वेश्चन है फटाफट मुझे कमेंट करिए, इस संडे को मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ। जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा मजा आएगा, उतना अच्छा काम करने में अच्छा रहेगा। तो आपके जो भी डाउट है मुझे कमेंट करिए फटाफट, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। और इसके अलावा यदि आपको किसी विशेष बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करिए। तो ज़्यादा कमेंट आएंगे पर्टिकुलर बीमारी के बारे में तो कोशिश करूँगा मैं उसके बारे में वीडियो बनाने के और आपको जानकारी देने की। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।